सीताराम माइक लो, काया घरे आउते तुम हमें, काया घरे आउते ससुर जू कहाँ के आओ? बल्लारी कर्नाटक से, बल्लारी कर्नाटका, कर्नाटका, कट्टाटका, कर्नाटका, मतलब प्रदेश बदल गया? हाँ सर। इतनी जल्दी? अरे भैया मैं तो हमने कही थी, तुरंत इतना दूर फेंक दो, अरे कहाँ के नगर फेंक दी, 1000 किलोमीटर फेंक दो, तुम्हारी जय हो, मान लिया? अच्छा कर्नाटका, बिजनेस उधर करता हूँ, मैं राजस्थान का हूँ, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा फिर यहाँ कैसे, दिस इज प्लेस दमोह? सर मैं पहले दतिया भी आया था, हैं बम्बई भी आया था और धतूरा धाम भी आया था। मतलब पीछे डोल रहे तुम, तुम्हें कीड़ा काट रहा हो। दो बार धाम पे भी जाके आया हूँ। अच्छा तो मिल नहीं पाए हम? नहीं गुरु जी, आज देखो नाम सहित बुला लिया। तुमने सोचा था कभी ऐसा हो सकता है? होगा जरूर जी, इसके लिए 3-4 बार अभी भी आगे भी सोचा था कि नागपुर भी जाऊंगा करके। तो तुम पढ़े लिखे हो? हाँ गुरु जी। वाह, हिंदी, यू स्पीक हिंदी? हाँ गुरु जी। यू अंडरस्टैंड हिंदी? हिंदी हिंदी। ओके देखो कितने दयालु हैं हनुमान जी, एक वे तो कही है पर नसीदो प्रदेश ही बदल दा। मेरे कुल देवता भी हनुमान जी है। बताओ बजरंग बली बहुत दयालु है, हमारे जैसे मूर्खन की सुन ले, हनुमान जी की दया है। तो तुमने यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं गुरुजी, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं। लगेगा गुरुजी, मैंने किसी नरक के जाओगे, नरक प्लास्टिक के कीड़ा पड़े। मैंने किसी को भी कॉल भी नहीं किया था, मैंने दूसरा धाम किया था तभी कॉल भी किया था मैंने आने के लिए, अभी इधर मैं बिना किसी को बोले भी आया हूँ मैं ऐसे। जय हाँ पूछो क्या बात। गुरुजी मेरा बिजनेस में घाटा हो गया। काय का काम है? रेडीमेड कपड़े का। हाँ अगर आ जाओ बकरी में। हाँ मेरे घर पे भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। कौन सी? दादाजी का, मेरे दादाजी वक़्त होने के बाद में 7 साल हो गए, उसके बाद में सर गुरु जी पूरा मेरा उथल पुथल हो गया काम का। क्या हो गया काम? रुकवा रुकवा। और घर का पूछो एक। हाँ गुरु जी, घर में भाई का शादी के बारे में। किसका? छोटे भाई का शादी। हाँ और एक प्रश्न, एक और पूछो। मम्मी का तबीयत ठीक नहीं रहता है। हमने टोटल 4 प्रश्न लिखे, लेकर आए थे तुम 5। माइक लो। हाँ गुरु जी जरूर। लेकर आए थे 5, टोटल हमने 4 लिखे। पूर्व में साईं बाबा की कृपा, लेकिन अब 0 है। हमारे प्रवचन सुनने के बाद मना कर दिया साईं बाबा को तुमने। मैंने सभी किसी को भी नहीं 5 महीने से। अब यहाँ से हमने शुरू किया, अब तुम समझ जाओ हमने कितना डीपली तुम्हारे ऊपर शोध किया। अब हमने लिखा बिजनेस में दिक्कत, कपड़ों का काम है, 2016 से उपद्रव मचा, मित्र ने धोखा दिया, साथ में भाई के लिए विवाह की अर्जी है, मनोरथ पूर्ण होगा, माँ के पैर की पीड़ा में आराम लगेगा, आप भी स्त्री चरित्र में फंस जाते इसलिए धन खर्च हो जाता, एक स्त्री ने ब्लैकमेल की स्थिति भी बनाई थी, अब सावधान है, बिजनेस पुनः तेज चलेगा तीव्र गति से, वह आगे चलकर बड़ी जगह पर आपका डीलिंग होगा, मॉल में आशीर्वाद है। टोटका विद्या, साथ में तुम्हारे दादाजी के पास शक्ति थी, बहुत हनुमान जी के भक्त थे, वो जो है चोला का उपाय करते थे, सिंदूर का, और ये अर्जी भी उन्हीं के कारण लगी है, तुम्हारे कारण नहीं, तुम तो होटलबाज आदमी हो, तो बालाजी के कारण और दादाजी के कारण ही अर्जी तुम्हारी स्वीकार हुई है। अब लेकिन तुम विगत 7 महीने से पूर्णतया सुधर गए, सब छोड़ दिया तुमने, केवल लहसुन प्याज छोड़कर, लहसुन प्याज भी बीच बीच में कहीं हो जाए तो ठीक, नहीं तो उसको भी छोड़कर भगवत भजन कर रहे। तुम्हारे दादाजी के कारण ही ये अर्जी लगी, वो हनुमान जी के बड़े श्री सरकार के बड़े भक्त थे और उन्हीं के प्रताप से तुम यहाँ तक पहुंचे हो, 0 से हीरो बने, नहीं तो तुम कुछ नहीं करते थे।
दादाजी ने ही तुम्हें रास्ता दिया, उन्हीं ने काम शुरू करवाया। लेकिन 2016 की घटना के बाद में सब जीरो होता गया। घर पर जो है पितरों का उपाय करवाना है, अखंड रामायण का पाठ करवाना है, भाई का विवाह 24 के प्रारंभ में हो जाएगा, आशीर्वाद है। खुश? माँ को एक बार लाना है, धाम ले आइए। आओ, वो क्योंकि बहुत बीमार है, उनको इन्फेक्शन भी बना था। ओ, एक बार उनको ले आइए, चूंकि हड्डी भी उनकी बढ़ रही, श्वास लेने में दिक्कत बन जाती। माइक ले लो, श्वास लेने में उनको दिक्कत बन जाती है, हड्डी उनकी बढ़ रही है और नकसूर कहलाता है, नकसूर की दिक्कत उनको ज्यादा बन रही है। तो हमने सेना तो अभी भेजी है, बालाजी कृपा करेंगे, सन्यासी बाबा दया करेंगे, जाओ आशीर्वाद। जो मंत्र है इसमें उपाय भी लिख दिया, और जो हमने तुम्हें सावधान करवाया वो सावधान रहना, बात को बिल्कुल भी किंतु परंतु नहीं, नहीं तो 20-25 लाख हो कट जाए ससुर जी लगाई चक्कर। एक मंत्र है, विधान होते कवच, तुम धाम पे आइयो, हम तुम्हें कवच दे देवी, जाओ आशीर्वाद, उठ जाओ।